हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिली ड्रेसेस। और आज जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ लाई हूँ वो है ब्लू हेवन की तरफ से वॉक फ्री रेंज का सुपर अफोर्डेबल लिपस्टिक्स। सो ये ब्लू हेवन की बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक्स में से एक है। सो ये आपको इस तरह से ब्लैक कवर में मिलता है और आपको इसमें लगभग 20 या 24 शेड्स अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको उसमें बहुत सारे रेड्स, ब्राउन्स, पर्पल के शेड, मॉव शेड, कुछ ऑरेंज में भी, वैसे बहुत सारे शेड्स आपको अवेलेबल है इस रेंज में। तो ये यहाँ पे मेरे पास दो शेड है इस रेंज का। और इसमें जितने भी शेड्स हैं ना उसके आपको कोई नाम वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको बेस पे इस तरह से नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो दो शेड है मेरे पास उसमें से पहला शेड है 19 और दूसरा शेड है 02। सो ये आपको लगभग 4 ग्राम की क्वांटिटी मिलती है इसमें आपको। सो आप इसके बेस पे देख सकते हैं ब्लू हेवन लिखा हुआ है, वॉक फ्री लिपस्टिक लिखा हुआ है, नेट वेट इसका 4 ग्राम है और ये 19 शेड की लिपस्टिक है। सो इसमें ज़्यादा कुछ या इन्ग्रीडियंट या ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है आपको, कोई आउटर कवरिंग नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह से मिलता है। सो इसका ये भी एक ड्रॉबैक है कि आपको कोई प्राइस लिखी हुई भी नहीं मिलती है। सो मुझे ये लगभग 100 रुपीज़ के आसपास मिला था और आप चाहे तो इस पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ये शॉप टू शॉप थोड़ा डिपेंड भी कर सकता है प्राइस, क्योंकि कोई भी एनलिस्टेड प्राइस नहीं है इसकी। तो पहला शेड जो मेरे पास यहाँ है वो है शेड नंबर 19। सो ये एक रेड कलर का लिपस्टिक है, डीप रेड शेड है, ब्राइट रेड नहीं है और ये ऑरेंज अंडरटोन पे है। सो इतनी आपको क्वांटिटी आपको मिल रही है इस पर लगभग, जो कि 4 ग्राम क्वांटिटी है। ओके, सो जो सेकेंड शेड मेरे पास है वो है शेड नंबर 02 और ये एक पर्पल मरून शेड है। सो एक मरून शेड है पर्पल अंडरटोन पे, सो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा वॉयलेट सॉर्ट ऑफ कलर है इसका, पर्पल और पिंक का जो मिक्सचर होता है। सो इसमें भी आपको ऐसी क्वांटिटी मिल रही है, ऊपर एक अच्छा खासा टिप एप्लीकेटर है और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है इसका। मैं आपको इसका स्वॉचेस भी दिखाऊंगी अभी। तो मैं आपको सबसे पहले शेड नंबर 19 का हैंड स्वॉच दिखा दूं। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, काफ़ी पिगमेंटेड और क्रीमी टेक्सचर है। सो ये एक प्रॉपर रेड शेड है, थोड़ा ऑरेंज अंडरटोन है पर ये बेसिकली डीप रेड शेड का ही है, डीप रेड भी नहीं पर प्रॉपर जो रेड होता है बिल्कुल वैसा है। ओके, जो सेकंड शेड है वो कुछ इस तरह से पर्पल अंडरटोन पे मरून कलर है, थोड़ा पर्पलिश मरून कलर है ये और ये बिल्कुल भी लाइक एकदम 100% मैट नहीं है और बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं है, तो पार्टीज़ वगैरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है और ये बहुत अच्छे से आपके स्किन पे ग्लाइड होता है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसमें एक हल्की सी फ्रेग्रेंस भी है, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस भी है, लाइक बिल्कुल भी इरिटेटिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, हल्की सी और बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस है इसकी। सो गाइज, लेट्स चेक द लिप स्वॉचेस। So this is how this lipstick will look upon you. तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा metallic finish नहीं है, matte है पर थोड़ा shiny भी है और बहुत ही प्यारी finish है। सिर्फ 2 कोट में आपको इतना bold color आराम से मिल जाएगा इससे। Okay. So the second shade is this one. So this is shade number 02 और ये कुछ इस तरह दिखेगा। So ये मरून की तरह डीप नहीं है पर उससे लाइट है पर पर्पल टिंट में। तो अगर आपको कुछ नया ट्राई करने का मन है, कुछ अमेजिंग सा, तो आप इस लिपस्टिक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा ग्रेप, ब्लैक ग्रेप जैसा कुछ शेड है इसका और इसका स्टे टाइम भी काफी अच्छा है, लाइक 2-3 आवर्स आराम से ये टिकता है।
थोड़ा ट्रांसमिट होता है बट ज़्यादा भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, लाइक इतना ट्रांसफ़र होने के बाद भी कलर इस पे आराम से टिका हुआ है। सो दिस वन इज़ दिस। सो इन लिपस्टिक्स में कोई इंग्रेडिएंट पैलेट वगैरह नहीं है, ना प्राइस लिस्टेड है, पर इसमें आपको 3 इयर्स की सेल्फ वारंटी मिलती है। मेरी लिपस्टिक 17 की थी तो वो 20 में एक्सपायर होगी, तो आपको इसमें अच्छा खासा 3 इयर्स की वारंटी मिल रही है। तो डेफिनेटली ये 3 इयर्स काफ़ी अच्छा टाइम होता है, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स है ये चीज़। सो गाइज, ये थे मेरे रिव्यूज़ ब्लू हेवन के वॉक फ्री लिपस्टिक्स के लिए। ये लिपस्टिक्स काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छे हैं, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।